हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं आई गीक संदूक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्पोंकू ऐप के बारे में। जो सीडिया को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होती है वो ऐप क्रैश हो जाती है कभी कभी, और तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको जो प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आज आपको बता दूँगा कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हम पोंकू ऐप को ओपन करते हैं तो तभी क्रैश हो जाती है, तभी क्लोज हो जाती है। आपको दिखा देता हूँ, जैसे देख सकते हैं, अगर सीडिया को ओपन करेंगे वो भी क्रैश हो जाएगी। और कोई भी हम सीडिया एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोई भी सीडिया टीवी के जो डिसेबल हो जाती है इस प्रॉब्लम से। और इस प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से क्या हल आप निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आज दिखा दूंगा। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, तो दोस्तों पहले तो आपने क्या करना है, आपने जो है पोंकू ऐप है उसको डिलीट कर देना है। मैं दिखाऊंगा आपको, जो आपके जो पोंकू ऐप है उसको आपने डिलीट कर देना है। पोंकू ऐप को डिलीट करने के बाद आपने अपने जो आपने क्या करना है, पीसी के साथ जो है आईफोन को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक तो इम्पैक्टर है और दूसरी एक आईपीए जो फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करोगे वो जो है ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन से डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ अपने उसके बाद क्या करना है, अपने जो है इम्पैक्टर को है उसको लॉन्च कर देना है, उसको ओपन कर लेना है, वो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आईपीए जो फाइल है उसको उस पर कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद वो आपकी जो है आईडी मांगेगा, एप्पल आईडी, तो आपने कोई भी एप्पल आईडी उस पर भर दीजिए। बस कोशिश करिए कि आपकी एप्पल आईडी पर जो है बैंकिंग का कनेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, उस पर एप्पल आईडी भर देनी है। उसके बाद अपना एप्पल आईडी का जो है पासवर्ड भर देना है, तो हम भर देते हैं, आप देख लीजिए। एप्पल आईडी का पासवर्ड भर दिया, उसके बाद आपने ओके कर देना है। जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हम वेट करेंगे अब, आप देख सकते हैं हमारे जो पोंकू ऐप वो इंस्टॉल हो चुकी है, जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोंकू ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने पर जर्नल पर जाना है। जर्नल पर जाने के बाद आप डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे। उसके बाद जो आपने आईडी भरी है उस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपने ट्रस्ट पर क्लिक कर देना है। ट्रस्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो पोंकू ऐप है वो ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इस पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ़ोन को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप कुछ टाइम फ़ोन को लॉक करने के बाद वेट करें, तो उसके बाद आपके लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा। इसके बाद आपकी जो है फ़ोन है वो रिस्पिंग हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। देख सकते हैं हमारा फ़ोन रिस्पिंग हो चुका है। इसके बाद आपने वेट करनी है, 20-30 सेकंड जो है का जो प्रोसेस है आपने वेट करनी है। तो वेट करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं हमारा जो सीडिया है वो सीडिया टीवी से जो वो वर्क करने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो हम आपको सीडिया ओपन करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारे फ़ोन पर सीडिया वो भी वर्क कर रहा है। तो ऐसे हम उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।